तो अब हम मोर के पंख को कलर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर के जो ये पंख है, ये बीच बीच में हम ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है। वैसे तो हम चाहे तो यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम ब्लू कलर पहले ही यूज़ कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कोई अलग सा कलर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी कलरफुल लगे और ब्राइट लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स। सो कलर फिल करने के बाद हम यहाँ पे कचनी का काम करेंगे। मेरी ब्रश थोड़ी डैमेज हो चुकी है, आप अच्छे ब्रश का यूज़ करें और कलर करने टाइम बहुत ही सावधानी से कलर करें। हमेशा याद रहे कि मधुबनी पेंटिंग में हमेशा ब्राइट कलर का ही यूज़ करें। ब्राइट कलर्स ही मधुबनी पेंटिंग की पहचान है। और बीच बीच में मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी और बीच के डिज़ाइंस को फिल करूँगी। आप मेरे वीडियो को फॉलो करके ये आर्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा पेंटिंग अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरा आर्ट अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको पता चलते रहे। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अभी तो मैं ये ड्राइंग शीट्स पे ये पेंटिंग बनाती हूँ, आगे मैं आपको हैंडमेड पेपर्स वगैरह में बनाकर बताऊँगी। तो आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने वीडियोस को बिना एडिटिंग के बनाती हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि आप अच्छे से इस पेंटिंग को सीख सकें। तो इस तरीके से कलर कर लेंगे। उसके बाद मैं ये डिज़ाइन जो बने हुए हैं, इसमें मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी।